इंदौर के कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगारी से तंग 500 से ज्यादा छात्रों ने कृषि महाविद्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक अर्धनग्न होकर मार्च निकाला और रिक्त पदों को भरने की मांग करते हुए कलेक्टर कार्यालय पर एडीएम बीबीएस तोमर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि पूर्व और वर्तमान सरकार ने छात्रों के पास आउट होने के बाद भी रिक्त पदों को नहीं भरा। कृषि महाविद्यालय के छात्र 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि इन 11 दिनों में कोई भी नेता या अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया। इसी को लेकर आज विरोध स्वरूप अर्धनग्न होकर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने नहीं मिलने पर छात्रों द्वारा हंगामा भी किया। छात्रों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में रुकी हुई पोस्ट और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारी परेशानी को पूछने तक नहीं आया है। इसी के विरोध में सोमवार को कृषि क्षेत्र के इंदौर के 12 कॉलेजों के 500 से ज्यादा छात्रों का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। छात्रों ने अर्धनग्न होकर मार्च निकाला और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मार्च के दौरान छात्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में 5129 पद खाली हैं। रैली में छात्रों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि विभाग में सहायक संचालक कृषि अधिकारी के 264 पद रिक्त हैं। वहीं वरिष्ठ कृषि अधिकारी के 304 पद, कृषि विकास अधिकारी में 824 पद, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 2466 पद और उद्यानिकी विभाग में भी सैकड़ों पद रिक्त है। इंदौर से दिनेंद्र चौहान की रिपोर्ट। 2008 से कोई भी पोस्ट नहीं आई है। हमारे कृषि विभाग में 5129 पद खाली हैं, तो हमारी मांगे ये है कि जल्द से जल्द उन रिक्त पदों को भर्ती करें, या तो फिर हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि या तो फिर वो बेरोजगारी न दूर कर सके तो वो जल्द से जल्द कृषि महाविद्यालय बंद करवाए। आप बोलते हो कि कृषि अवार्ड मिला है, तो किस चीज़ में मिला है आपको, आप जरा ये तो बताइए। जब छात्र बेरोजगार हैं तो किसानों को आप कैसे बता रहे हो कि नई नई तकनीक आ रही है, बिना नई नई तकनीक के कैसे कृषि विभाग आगे बढ़ रहा है। ये लोग हम आंदोलन कर रहे हैं कृषि महाविद्यालय इंदौर में, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 5000 पद कृषि विभाग में खाली है, जिसके कारण कमलनाथ सरकार बोल रही है कि हम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती, तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि 5000 पद खाली पड़े हैं कृषि विभाग में, वो बिना खाली किए आप किसानों की स्थिति कैसे सुधारोगे। लगातार 2012 से ये पोस्ट नहीं है, आज 8 वर्ष हो गए, कोई वैकेंसी नहीं है। इस बार भी वैकेंसी निकाली लेकिन उसकी कोई डेट फाइनल नहीं की। हम सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है कि या तो हमारी पोस्ट निकाले या ये कॉलेज बंद कर दे। इसलिए हम जब तक यहाँ कलेक्टर महोदय और ना आए, जब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। सर, हम पिछले 11 तारीख से कृषि महाविद्यालय इंदौर में मध्य प्रदेश के समस्त कृषि छात्र आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करने का कारण है क्योंकि हमारे कृषि विभाग में लगभग 5000 वैकेंसियां पिछले 3-4 वर्षों से खाली पड़ी है। जब ये नई सरकार आई थी तब कृषि मंत्री और कृषि सचिव ने हमको भरोसा दिया था कि एक साल के अंदर हम आपकी वैकेंसियाँ निकाल देंगे, किंतु वैकेंसियाँ निकालने की जगह ये सरकार आज रिटायरमेंट की उम्र 62 से 63 करके युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात कर रही है। उसी के विरोध में आज सड़क छात्र छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। ज्ञापन में उन्होंने रोजगार की मांग रखी है। उनका कहना है कि लंबे समय से लेक्चरर प्रोफेसर के भी पद खाली पड़े हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। उन्होंने जो मांग पत्र सीएम साहब के नाम मुझे दिया है वो सीएम साहब के दफ्तर को पहुंचा दिया जाए। जी, कौन बात कह रहा है? टीआई का रोज नॉलेज में है, रोज बातचीत चल रही। हाँ, नेता नहीं पहुंचा है, उनका कहना ये है। अरे ऊंचा होड़ा इधर। सर, ये प्रदर्शन कर रहा है तो इन्हें यहीं रोक लिया गया पर? नहीं, तो हमेशा यहीं रोका जाता है। आप भी यहाँ कहीं देख चुके होंगे, बीजेपी का प्रदर्शन हुआ, यहीं रोका, सबको यहीं रोका जाता है।